करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ पार्शल मोलर प्रॉपर्टीज देखिए इसकी दो मेथड्स होती हैं डायरेक्ट मेथड एंड मेथड ऑफ इंटरसेप्ट डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं देखिए हमें पता है पार्शल मोलर प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन से एक्स अपॉन एन आई तो इसको इवेट कर, करने के लिए हम ग्राफ खींचेंगे किसके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर के बीच और नंबर ऑफ मोल अब तो इसके आगे एन वन एन टू फाइन हो जाएगा तो एन वन हम खुद फाइंड कर लेंगे ये फॉर्म लगेगा ये इसकी लिमिटेशन क्या है ये एग्जैक्ट स्लोप नहीं देता है मेटर मैथड ऑफ़ ये क्या होती है यूज़फुल मेथड होती है क्योंकि ये साइमल्टेनियसली बाइनरी मिक्सचर से को फाइंड कर लेती है एक्स क्या हो जाएगा एन वन प्लस एन टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे हम एन टू के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट करेंगे हम जानते हैं कि मोलर फ्रैक्शन कंपोनेंट क्या होता है हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे देन इसका डिफ्रेंशिएट करके इसकी वैल्यू रखेंगे तो लास्ट में हमें स्लोप मिलेगी इसका ग्राफ बना के ये पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज़ है ये मोल नंबर है टेंजेंट मिलेगी हमें और स्लोप मिलेगी इसकी हेल्प से हम एक्स वन और एक्स टू